बिलासपुर के जुखाला के जबलपुर के पास एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक चालक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिलासपुर की अग्निशमन केंद्र की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लगी। बताया जा रहा है कि गाड़ी भागा की ओर जा रही थी और जैसे ही जुखाला के जबलपुर के पास पहुंची तो गाड़ी से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते गाड़ी में एकदम से आग लग गई। चालक ने गाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है। बिलासपुर अग्निशमन विभाग के इंचार्ज सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि जुखाला जबलपुर के पास ट्रक में आग लगी है। विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और आग को बुझाया गया। गाड़ी का लगभग 8 लाख के आसपास नुकसान हुआ है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सदर विधायक सुभाष ठाकुर, घुमारवी के विधायक राजेंद्र गर्ग व भाजपा जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान विशेष रूप से उपस्थित रहे। सर्वप्रथम संगोष्ठी में जिला भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में बताया गया। मुख्य अतिथि रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर प्रदेश में जन जागरण अभियान चला है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इस अधिनियम से करोड़ों जनता को लाभ पहुंचने वाला है। प्रदेश भाजपा इसका समर्थन करती है। वहीं सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि इस अधिनियम को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां उन्हें दूर करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अधिनियम में भारत देश में रह रहे लोगों की नागरिकता के बारे में कुछ भी नहीं है, बल्कि जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हैं उन्हें नागरिकता दी गई है। कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए मुस्लिम समाज को गुमराह करके उनका नकारात्मक इस्तेमाल कर रही है, जबकि आम मुस्लिम समाज में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कोई रोष नहीं है, क्योंकि इस कानून में नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि नागरिकता देने का प्रावधान है। ये बात हिमाचल प्रदेश एवं भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रमजान खान ने प्रेसवार्ता में कही। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राम मंदिर पर आया तब भी मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। इसके बाद जब देश की संसद ने धारा 370 को हटाया तब भी मुस्लिम समाज ने संसद द्वारा बनाए गए निर्णय का सम्मान किया और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। परंतु NRC और नागरिक संशोधन कानून के विषय में कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए मुस्लिम समाज के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश की है, जिसका कि हम कड़े शब्दों में निंदा एवं विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस मुस्लिम समाज को पूरी दुनिया के सामने नकारात्मक दिखाने का प्रयास कर रही है, जिसमें कि वह कामयाब नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश एवं भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रमजान खान ने कहा कि देश के मुस्लिम समाज का कांग्रेस द्वारा राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। देश का मुस्लिम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार के साथ है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के साथ है और सर्वोच्च न्यायालय पर मुस्लिम समाज पूरा विश्वास रखता है।
CAA नागरिकता देने वाला कानून है न कि नागरिकता लेने वाला। कांग्रेस द्वारा अपने राजनीतिक हित साधने के लिए मुस्लिम समाज के कंधों पर रखकर बंदूक चलाती है तो देश का मुस्लिम समाज कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर भी उतरेगा।